स्टूडेंट्स आइए आज क्लास 12 एक्सीलेंट की जो बुक है उसमें से एक्टिव पैसिव का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। 16 सी एक्सरसाइज नंबर 16 सी जो कि 84 पेज पे है, क्लास 12 की जो नई एक्सीलेंट ग्रामर है उसमें आप देखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव पैसिव जो है वहाँ से दिया गया है। इस वर्ष जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप इस तरह से आएगा और वाक्य में भी आ सकता है, तो दोनों की प्रैक्टिस मैं इसलिए करा रहा हूँ नए पैटर्न के अनुसार पर। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा कवर कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन पूरा पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं देखे तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर वीडियो, ताकि आप एक ही वीडियो में पूरा देख लीजिए, या ट्रांसफॉर्मेशन पैसिव वॉइस का लिंक दे दूंगा। आप वैसे भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं पैसिव वॉइस बाय रमेश सर, तब भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, बहुत ईजी ट्रिक के साथ हम हल करते हैं एक्टिव पैसिव। बस बहुत तेज़ आप स्पीड में बिना अर्थ निकाले और बिना आपको टेंस नहीं आ रहा तब भी आप कर ले जाओगे। थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ध्यान ये देना है कि पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब का बनता है। वर्ब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये सब इसके मुख्य रूल हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए पहले दिया गया डायरेक्शन, पिक आउट द चॉइस बाय चेंजिंग द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों का वॉइस को चेंज करके पिक आउट द राइट चॉइस, सही विकल्प को पिकआउट माने चयन करो, छांटो। अब देखिए यहाँ दिया गया है आपका पहला, एवरीवन डिसलाइक्स बैड बॉयज इन द सोसाइटी। प्रत्येक व्यक्ति बुरे लड़कों को जो है समाज में क्या करता है, नफरत करता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति बुरे लड़कों से क्या करता है, नफरत करता है। तो अब यहाँ देखिए क्या है कि डिसलाइक वर्ब है, ये एवरीवन सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का दिया जाता है। तो बैड बॉयज सब्जेक्ट देखिए दो में दिया गया है, तो इसलिए ये दोनों में से पॉसिबिलिटी पहला और लास्ट वाला कट जाएगा। और एक बात ये भी जान लीजिए, अगर इतना भी नहीं समझ पा रहे हो तो हमेशा वर्ब का बनता है, इसमें भी आप डिसलाइक्स क्या है, वर्ब पर ध्यान देंगे, प्रेजेंट इनफिनिटिव टेंस है, तो प्रेजेंट इनफिनिटिव टेंस को हमेशा इज एम आर के साथ जो है थर्ड फॉर्म, इसमें इज एम आर लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, देखिए इसमें दोनों में है, तो इस तरह से भी यही दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा, पहला और चौथा कट गया। और उसके बाद बैड बॉयज ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट दोनों किया गया, तो यहाँ तक सही है। उसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद इन द सोसाइटी आया बी में, ठीक है, इन द सोसाइटी यहाँ भी आया, इसमें सी वाले में इन द सोसाइटी कहीं आया ही नहीं, तो हम इन द सोसाइटी को हम हटा नहीं सकते क्योंकि वो अदर वर्ड है। और यहाँ एवरीवन को देखिए क्या है कि हटा दिया गया है, बी वाले में सी वाले में नहीं हटाया गया है, तो आपको क्या है इन द सोसाइटी मिला या तो एवरीवन, तो अब कौन सा रखना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो दोनों में नहीं है, तो अब जरूरी क्या है, इन द सोसाइटी जरूरी है, बाई एवरीवन जरूरी कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि ग्रामर का एक रूल है कि अगर देखिए एवरीवन आ जाए या एवरी बॉडी आ जाए, तो यानी किसी भी शब्द के अंत में एवरी, जैसे एवरीवन, एवरी बॉडी, सम वन, सम बॉडी, नो वन, नो बॉडी, किसी भी शब्द के अंत में एवरी, सम और नो के साथ वन या बॉडी आ जाए तो उसका अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति, या नो वन माने कोई व्यक्ति नहीं, एवरीवन माने प्रत्येक व्यक्ति, एवरी बॉडी माने भी प्रत्येक व्यक्ति, सम बॉडी माने कोई व्यक्ति, सम वन माने कोई व्यक्ति, तो ये सभी आ जाएंगे, यानी किसी भी शब्द में वन या बॉडी आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं बाइक साथ नहीं लिखते हैं, कोई लिखना जरूरी नहीं रहता, हटा देते हैं। तो उसी नियम के तहत जो है आपका जो है बाई एवरीवन लिखना कोई जरूरी नहीं, इन द सोसाइटी लिखना जरूरी है, तो इन द सोसाइटी बी में दिया गया इसीलिए सही है। इसका अर्थ हो जाएगा बैड बॉयज आर डिसलाइक इन द सोसाइटी, बुरे लड़के समाज में क्या डिसलाइक माने नापसंद किए जाते हैं। तो ये नहीं कहेंगे हम प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, वो तो अंडरस्टूड हो जाता है, क्योंकि देखिए एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति जो है नापसंद करता है, तो ये अस्पष्ट करता है कौन कौन नापसंद करता है, तो ये चीज़ नहीं बताया गया। तो प्रत्येक व्यक्ति भले एवरीवन है, एक बात ये भी जाने ईच और एवरी के साथ हमेशा एक वचन की वर्ब यूज किया जाता है, क्योंकि एवरी के साथ इसलिए वन आया है, तो ये एक वचन है इसलिए डिसलाइक्स लगा है। लेकिन बैड बॉयज ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसलिए आर लग जाएगा। आई होप समझ में आ गया, आपके पास कोई डाउट्स नहीं रहेगा, फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बैड बॉयज आर डिसलाइक्ड इन द सोसाइटी, बुरे लड़के समाज में नापसंद किए जाते हैं। हम दूसरे से यही कहेंगे पैसे वाज में, ये नहीं कहेंगे बुरे लड़के समाज में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नापसंद किया जाता है। बुरे लड़के हैं तो प्रत्येक नापसंद करेगा, वो अंडरस्टूड होता है, उसको हम नहीं देखेंगे, वो अस्पष्ट करता है, तो इसलिए हटा देंगे। अगला है वाई डिड द टीचर पनिश हिम, ठीक है, तो इसका देखेंगे, जैसा कि पहले का आपका कन्फर्म हो गया इन द सोसाइटी वाला बी वाला ऑप्शन सही है। वाई डिड द टीचर पनिश हिम, अध्यापक उसे क्यों दंडित किया, तो डिड है बस फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडिपेंडेंस, इसमें वाजी अवर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो देख लीजिए वाजी अवर के साथ थर्ड फॉर्म, देखिए यहाँ पहले में भी है, दूसरे में भी है, ठीक है, और तीसरे में नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। अब देखिए क्या है कि डब्ल्यू एच वाई सब में है, उसके बाद साय क्रिया, जैसे इसमें भी साय क्रिया, इसमें एक बात जान लीजिए,
पैसिव वॉइस में टेंस और सेंटेंस का टाइप, ये दो चीज़ कभी नहीं बदलती, यानी टेंस वही रहेगा भले ही वॉज लग जाएगा लेकिन पॉजिटिव इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस माना जाएगा, और सेंटेंस का टाइप नहीं बदलता। सेंटेंस का टाइप मतलब अगर ये इंट्रोगेटिव है डब्ल्यू एस के बाद इसमें साइक्रे तो इसमें भी रहेगा, तो उस रूल के अनुसार जो है डब्ल्यू एस वाई के बाद देखिए यहाँ वाज लगा है, लेकिन हाँ इसमें अगर डिड के बाद सब्जेक्ट है तो इसमें भी वाज के बाद सब्जेक्ट रहना चाहिए जो कि पहले में नहीं, इसलिए कट गया। अब इसमें बी वाले में हाँ बी में ही के बाद वाज है ये तो हो ही नहीं सकता, सी में डिड के बाद ही है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वाज ही रहना चाहिए, तो बचा क्या डी, डी वाला एकदम सही है। तो वाई वाज ही पनिश्ड बाई द टीचर, उसे अध्यापक के द्वारा क्यों दंडित किया गया, इस तरह से आराम से आपका सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड सहायक क्रिया सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस टीचर का ऑब्जेक्ट, डी सही है। अगला देखते हैं, तीसरा वाला देखते हैं, जैसे कि आपको कारण भी बता रहे हैं क्यों सही है क्यों और गलत है। वी शैल लुक इनटू द मैटर, हम मामले की देखभाल करेंगे, तो इसमें क्या लुक इनटू माने देखभाल करना, तो ये वर्ब है ऑब्जेक्ट क्या है द मैटर, तो द मैटर सब्जेक्ट बनाएंगे तो द मैटर सब में है तो इसलिए द मैटर के बाद क्या लगेगा, वीक साथ तो सेल लगता है द मैटर के साथ बिल भी लगता है। ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट ना, द बिल भी है सेल भी लगेगा, द मैटर के साथ हो जाएगा बिल बी। तो इस तरह से इसमें हो जाएगा द मैटर बिल बी लुक्ड इनटू, तो बिल बी के बाद लुक्ड इनटू कहाँ है, बिल भी देखिए इसमें लुक्ड के साथ इनटू नहीं लगा है तो इसलिए बी वाला हो नहीं सकता। तीसरे वाले में बिल के साथ लुक्ड इनटू लग दिए, बी नहीं लिखे, ये भी गलत हो गया। पहला तो गलत ही है क्योंकि सेल के साथ बी भी लगना चाहिए, बिल सेल के साथ, तो बचा क्या डी, डी वाला आपका एकदम 100% सही है। तो द मैटर बिल बी लुक्ड इनटू बाय अस, मामले की हमारे द्वारा देखभाल किया जाएगा। देखिए लुक के साथ इनटू ये प्रीपोजिशन लगा जो फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा है, तो किसी भी वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन लगा के फ्रेजल वर्ब बनता है तो उसको हम हटाते नहीं है, वो प्रीपोजिशन रहेगा ही, बाय भी लगेगा। ठीक, तो इस तरह से आपको देखिए अगर आपको ये समझ में आएगी तीनों नहीं हो सकते हैं तो बचा जो हो गया, बाकी नियम से भी आप कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, टेल हिम टू गो टू बेड अर्ली, उसे बिस्तर पर जल्दी जाने के लिए बताओ। तो अब यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो तो लेट से शुरू होता है, तो लेट लगा दीजिए, तीन में लगा है तो ठीक है मान लीजिए, लेकिन लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये आपका रूल बताया गया एक्सीलेंट में। लेट के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो देखिए पहले में है हिम, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है नहीं लेट के बाद, ये नहीं हो सकता, यहाँ अर्ली भी ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये भी नहीं हो सकता, और यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू बेड, तो यहाँ हिम भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या पहला ही हो जाएगा आपका 100%। वैसे भी नियम देखेंगे लेट के बाद ऑब्जेक्ट हिम है, उसके बाद बी लगता है, बर्क थर्ड फॉर्म टेल का टोल्ड हो गया, उसके बाद टू से जो बचा है उसको जोड़ दिए, टेल हिम, लेट हिम बी टोल्ड टू गेट टू बेड अर्ली, टू गो टू बेड अर्ली, उसे बिस्तर पर जल्दी जाने के लिए बताओ, यानी सोने के लिए बताओ उसको जल्दी से, बिस्तर पर जल्दी जाना मतलब जल्दी सोने के लिए बताओ। हु सेंट यू टू जापान, तुम्हें जापान कौन भेजा, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो पास्ट इंडिफिनिटेंस है, उसके साथ सेकंड फॉर्म आई है, तो सीधी सी बात है पास्ट हाँ इंडिफिनिट है, तो वाज ये वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, वाज ये वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ है, हाँ तो देखिए कई में है तो पहले में नहीं है तो ये काट ही दीजिए। तो देखिए इसको दो तरीके से बना सकता है, हु का बाय होम भी हो जाता है, अब देखिए दूसरे में होम कर दिए हैं, वाज सेंट टू, यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं लगाए हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इसलिए भी गलत है। बाय होम वर यू, बाय हु का बाय होम हो गया और यू को ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू लगेगा, ये वर सही बिल्कुल सही, होम वर यू सेंट टू जापान, ये एकदम सही है। अब वही बात करें अगला क्यों गलत है डी वाला, उसको भी देख लेते हैं, बाय होम टू जापान, तो यहाँ टू जापान कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है यहाँ टू ये ऑब्जेक्ट यू है, तो ये टू जापान तो पूरा टू के साथ तो नहीं लिखेंगे, बाय होम ठीक है, टू जापान क्या है कि एडवर्ब है, स्थान स्थान है, स्थान का भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है तो बाय होम टू, ये तो आप गलत ही हो गया, इसमें यू ऑब्जेक्ट है, बाय होम वर यू सेंट टू जापान, तुम्हें जापान किसके द्वारा भेजा गया, पैसे पास में मैसेज कहेंगे। अगला है डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब ना करो, आई एम नॉट डिस्टर्ब बाई, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि असर्टिव तो बनता नहीं है इंटरोगेट, ये इंपरेटिव है तो लेट से बनेगा, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ आया है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट देखिए दो में आया, तीसरे में नहीं आया, लेट नॉट भी दे दिए, तो डी वाला हो नहीं सकता, लेट के बाद लेट मी, उसके बाद डू नॉट है तो नॉट भी लगेगा, तो डोंट तो लगता नहीं, डोंट हट ही जाता, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, लास्ट वाला हो ही नहीं सकता, ठीक है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बचा क्या सी, सी वाला आपका सही है।
हाँ आप इसको कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेट मी नॉट बी, लेट के बाद ऑब्जेक्ट फिर नॉट प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद आना चाहिए, लेकिन किताब में डिस्टर्ब दे दिया है तो उससे नहीं, मतलब जब तीनों एकदम इससे भी ज़्यादा गलत है तो ये डिस्टर्ब्ड थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उससे नहीं मतलब सही यही है, लिखने की मिस्टेक मानी जाएगी इसको, डिस्टर्ब आप कर लेंगे। ठीक है, तो परीक्षा में ई डी लगा हो या ना लगा आपको यही ऑप्शन मानना है, क्योंकि सभी बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये एकदम लेट फिर ऑब्जेक्ट फिर नॉट प्लस बी प्लस वर्ब है, वही माना जाएगा। अब आगे देखते हैं, सातवां वाक्य है, योर फेलर हैज़ डिसअपॉइंटेड अस, तुम्हारी असफलता मुझे निराश कर दी है। तो अस, अब यहाँ वर्ब के थर्ड पास अस के बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अस को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, वी हो जाएगा, वी हैज़ है तो हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा, वी के साथ हैव बीन लगेगा, तो ये दूसरा वाला हैव बीन, तीसरे में भी हैव बीन है, चौथे में भी, पहला तो हो ही नहीं सकते, इन तीनों में से एक है, आगे भी पढ़ेंगे। वी हैव बीन डिसअपॉइंटेड, थर्ड फॉर्म डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। अब देखिए पहले में बाई योर फेलर है तो ये गलत है, क्योंकि डिसअपॉइंट के साथ बाई नहीं लगता, आप प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन वाला आप पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव में, या आपके एक्सीलेंट में ही दिया है कि बाई के स्थान पे अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग, तो बाई के स्थान पे अन्य प्रीपोजिशन भी लगता है, डिसअपॉइंट के साथ हमेशा एट लगता है, इसलिए बाई गलत हो गया। वी हैव बिन डिसअपॉइंटेड विथ योर, विथ भी गलत है, विथ भी नहीं लगता, वी हैव बिन डिसअपॉइंटेड एट योर फेलर, तो ये आपका 100% सही है, क्योंकि एट ही लगता, तो इसमें आप नहीं जानते रहेंगे डिसअपॉइंटेड के साथ एट लगता, तो आप बिल्कुल गलत कर ले जाओगे, बाई वाला ही लगाओगे जो कि एकदम गलत है, तो डी सही है। वाट आर यू, क्यों लगता है, थोड़ा सी अभी बता दे रहे हैं, आई आई टी क्यों लगेगा, आप इसको आराम से ट्रिक से याद कर सकते हो, वी हैव बीन डिसअपॉइंटेड आई आई टी, हम तुम्हारी असफलता पर निराश हुए हैं, तो किसी चीज़ पर ही निराश होता है तो इसलिए एट लग जाते हैं। वाट आर यू डूइंग फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, तो इसका पैसे पास क्या हो, आर के साथ आई एन जी है तो ई जे मार्क के साथ बींग प्लस थर्ड फॉर्म लाना चाहिए, तो हाँ कई में है ई जे मार्क के साथ बींग प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ है, तो वाट, ठीक है, वाट एम आई बींग डन बाई यू, सही है, ठीक है, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, वाट आर यू डूइंग फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, वाट आई एम आई, ये तो गलत है, फिर से देखते हैं इसको, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, वाट आर यू डूइंग फॉर मी, तुम पहले देखिए वाट क्या आपका क्वेश्चन वर्ड है, फिर सह क्रिया आ रहा है, फिर आप सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है, यू सब्जेक्ट है, डूइंग माने करना, फॉर मी माने मेरे लिए, तो फॉर मी, ये मी ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है, डू में क्या कर रहे हो, किसे कर रहे हो, कुछ नहीं पता रहा, तो ये फॉर मी जो है आपका क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मी ऑब्जेक्ट तो है लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो क्यों, तब कैसे बनेगा, इतना जान लीजिए, वाट ही जो है आपका क्वेश्चन वर्ड है, इसमें वाट ही आपका सब्जेक्ट ही है जो किया जाएगा, जो करना, ठीक है, तो वाट मैंने क्या, क्या मेरे लिए क्या किया जा रहा है, ठीक, तो अब यह वाट क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम भी करता है, अगर किसी कोई प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है तो उसको भी आप आराम से पैसे पास बना लेते हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वाट, तो इसलिए आराम से बन जाएगा, यही सब्जेक्ट भी हो जाएगा, तो वाट देखिए वाट आपका लगा है, वाट लगेगा आपका, प्रश्नवाचक शब्द भी हो गया, सब्जेक्ट दोनों हो गया मान लीजिए, उसके बाद सह क्रिया इज लगा दिया गया है, ठीक है, उसके बाद जो है बींग लगा दिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाट इज़ बींग डन फॉर, मेरे लिए क्या किया जा रहा है, तो सब्जेक्ट यू है तो बाई के साथ ऑब्जेक्ट बना दिए बाई यू, ठीक, ये एकदम सही है। अब देखिए वहीं आप ये जान लीजिए कि वाट एम आई बींग डन बाई यू, यहाँ मी को एकदम आई कर दिए, फार को हटा दिए, तो गलत है क्योंकि मी ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का है, सब वर्ब का नहीं है, इसलिए उसको हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, पहला गलत है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा चौथा भी हम देख लें क्यों गलत है, ताकि आपको 100% सेटिस्फैक्शन मिले। व्हाट इज़ डन फॉर मी बाय यू, कि व्हाट इज़ डन फॉर, मेरे लिए क्या किया जा रहा है बाय, यहाँ इज के साथ बींग नहीं लगा इसलिए गलत है। फॉर व्हाट इज़ आई डूइंग, तो यहाँ डूइंग कभी लगता नहीं पैसे पास में, इसलिए गलत है, ठीक, तो यहाँ देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, पहला तो एकदम बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि ठीक है बताई दिया गया, तो बचा क्या, बी बी वाला 100% आपका करेक्ट आंसर है। नौवां वाक्य आपको बता दे रहे हैं, नौवां वाक्य है आपका कीप क्वाइट प्लीज, शांत रहो, प्लीज मिस कृपया, कृपया शांत रहो, तो लेट क्वाइट बी केप्ट प्लीज, ये तो भाई देखिए गलत ही है, क्योंकि प्लीज आया तो रिक्वेस्ट का भाव इसमें है, तो सीधी सी बात है, प्लीज वाले वाक्य यू आर रिक्वेस्टेड टू करके हम शेष वाक्य जो कहते हैं लिखते हैं, प्लीज को हटा देते हैं, तो इस तरह से यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, तो आपसे शांत रहने की प्रार्थना की जाती है, प्लीज कीप क्वाइट वी केप्ट, ये तो गलत ही है,
कीप क्वाइट, बी प्लीज्ड, प्लीज का प्लीज्ड नहीं किया जाता, तो तीनों गलत है। पहला ठीक है, सॉरी पहला तो गलत ही है, मान लीजिए बी वाला सही है, क्योंकि इसका नियम है कि आप क्या करिए, आयोग का मानना ये है, माध्यमिक शिक्षा जो आयोग है आपका, यूपी बोर्ड, बोर्ड का मानना ये है कि आप जो है लेट से बनाइए आदेश और सलाह वाले वाक्य, अगर प्लीज ये काइंडली आ गया तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करिए, बाकी से शेष वाक्य जो कहते हो लिख दीजिए, ठीक है, और प्लीज़ ये काइंडली को हटा दीजिए। क्यों लिख देते हैं उसका भी मैं कारण बता रहा हूँ, जैसे प्लीज रहेगा ना तो आदमी उसमें एक शब्द छिपा रहा था, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, तो अब यही यू जो है यहाँ आ जाता है, आप रिक्वेस्ट के बाद देखिए यू ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट बन जाता है, आई रिक्वेस्ट प्रेजेंट इनफिनिट में होता है क्योंकि, तो आई रिक्वेस्ट यू, तो इसलिए आर लग जाएगा यू के साथ, और रिक्वेस्ट का थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड हो जाएगा। उसके बाद जो है टू से हम वर्ब को जोड़ देते हैं, ये बाई करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, बस यही इसी रूल से ये यू आर रिक्वेस्टेड टू आ जाता प्लीज आने पर, क्योंकि प्रार्थना कर रहा हो तो आई रिक्वेस्ट यू, ऐसे भी कर सकते हो, एक्स टू में आराम से कर सकते, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। आई होप समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इसको हर चीज़ बारीकी से बता रहे हैं। अब मतलब मैं आपको इसके बाद बोर्ड एग्जाम की जो एक्सरसाइजेज हैं उसको हम 2013 से लेकर 22 तक पूरा कवर कराएंगे, ठीक है, और इसके सभी जो है जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है उसको मैं एक मास्टर वीडियो भी समय मिलेगा तो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सीखते रहिए, ट्रांसफॉर्मेशन पूरा पढ़िए, सिंटैक्स पढ़िए, पूरा हर टोटल ग्रामर इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।